तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मैं सबासी एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो भाई पाकिस्तान में लाइक स्मार्टफोन्स के हवाले से, लाइक टेक के हवाले से बहुत ज़्यादा एक बड़ी गुड न्यूज़ आई है, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांड्स ने स्मार्टफोन के पैसे को काफ़ी ज़्यादा कम किया है। डिस्पाइट द फैक्ट काफ़ी सारे लोगों ने स्मार्टफोन का बैकआउट शुरू कर दिया नए वालों का। मैंने भी कहा था भाई नहीं लोग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस करती थी इन्होंने और कम भी नहीं कर रहे थे। तो अब ये गुड न्यूज़ है, मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब नहीं करेगा कर दो, बाय लाइक दबा दो कि हम काफ़ी टाइम बाद कोई वीडियो शूट करें। तो स्टार्ट करें विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो यहाँ पे कुछ स्मार्टफोन कंपनी जिन्होंने प्राइस को बेसिकली कट डाउन किया है, तो मैं आपको एक एक करके सालों के बारे में बताता हूँ। ओके, सबसे पहले बात करते हैं टेक्नो को। टेक्नो में यहाँ पे आप लोगों को पॉप लाइट जो बेसिकली एक फ़ोन है 232 में, उसकी जो पुरानी प्राइस थी वो 33,000 रुपये थी, अब उसको 25,000 रुपये कर दिया गया, यानी कि 7,000 रुपये का यहाँ पे इसमें प्राइस डिफरेंस, यानी कि प्राइस कट लगाया गया है। तो इसके बाद अपने सेकंड स्मार्टफोन की बात करें तो जो है पोवो नियो, जो था 464 वाला, जो पहले 44,000 रुपीस का मिल रहा था, लेकिन अब इसकी जो नई प्राइस कर दी गई है वो कर दी गई 35,000 रुपीस। इसमें 9,000 रुपये का आपको का प्राइस डिस्काउंट देखने को मिलता है, जो इसमें गुड डील फेयर डील थी है। नंबर थर्ड पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है टेक्नो की तरफ से, यानी कि टेक्नो का स्पार्क 8C, जो कि अच्छा फ़ोन था। यहाँ पर इसकी पुरानी प्राइस थी 428 वाले की 44,000 रुपीज़, नाउ इट इज़ कॉस्टिंग लाइक अबाउट 37,000 रुपीज़, इसमें 7,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस लगा है। बात करें टेक्नो के अमाउंट 19 नियो की 628 वाले वर्जन की वेरियंट की, उसकी पुरानी प्राइस थी 58,000 रुपये, यानी कि 58,000 रुपीज़, अब इसकी प्राइस कर दी गई है 45,000 रुपीज़, तो इसमें 13,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस लगा है, विच इज़ ओके टू बी ऑनेस्ट। तो इसके बाद बात करते हैं इन्फिनिक्स की। ठीक है, इन्फिनिक्स में आप लोगों को नोट 12 जो है उसकी प्राइस देखने को मिल, जो 8128 वाला था उसकी जो नई पुरानी प्राइस थी वो थी 64,000 रुपये, यानी कि 64,000 रुपीज़, अब उसकी प्राइस कर देगी 55,000 रुपये, इसमें 9,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस लगा है। अगर इन्फिनिक्स हॉट 12 की बात की जाए तो वो 54,000 में पहले मिल रहा था, अब 45,000 में मिलेगा, यानी कि 9,000 रुपये का इसमें भी आप लोगों को प्राइस कट देखने को मिलता है। देखो थर्ड नंबर पे अपने बात करें एक फ़ोन की जो बहुत ही थका हुआ है, रेडमी A1, जो पहले 232 वाला 30,000 रुपये का मिला था, अब 27,000 कर दिया गया, 3,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस। और जो 332 वाला था वो पहले 33,000 रुपये का था, अब 30,000 रुपये का कर दिया गया, यानी कि इसमें भी 3,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। तो ये फ़ोन अभी भी वर्थ इट नहीं है, अभी भी आपको नहीं खरीदना, बिकॉज बहुत ही थका हुआ फ़ोन है, लाइक आई डोंट हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस फोन। तो अब बाकी ब्रांड्स पर अपने स्मार्टफोन प्राइसेस कम करेंगे, द रीज़न इज़ कि लोगों ने बहुत ज़्यादा बायकॉट करना शुरू कर दिया है, मार्केट पे माल ही माल है बट बिक नहीं रहा वो वाला माल। तो कहने का मकसद ये कि हम लोग जब यूनाइट होते हैं तो हम जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो कहने का मकसद बेसिकली यहाँ पर ये निकल के सारा आता है, जो मेन मुद्दा है बात करने का वो ये कि स्मार्टफोन का मैंने भी कहा था कि बायकॉट करें, क्योंकि नए स्मार्टफोन बहुत महंगे होते जा रहे हैं। जैसे थोड़ा सा बायकॉट किया है और फ़ोन सस्ते हो रहे हैं, आप और बायकॉट करेंगे जो फ़ोन ज़्यादा महंगे हैं उन्हें नहीं लेंगे, तो यहाँ पर और प्राइस भी कट होगा और भी कंपनीज की प्राइस को कट करेंगी। ये वीडियो पसंद से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।